Hello viewers, welcome to our math channel. Today's topic is very interesting topic, century. How will you calculate century by given year? पहले हमें समझते हैं century क्या है. Century means 100 years time period. अगर आपका 100 years time period है, that is century. 17th century का time आपका start होगा 1601 January से 1700 दिसंबर तक. इसके बीच में जो भी ईयर आएंगे 1620, 1640, 1645 ऑल बिलोंग्स टू 17th सेंचुरी. सिमिलरली 18th सेंचुरी टाइम पीरियड ये आपका होगा 1701 एंड लास्ट इज 1800 दिसंबर. 19th सेंचुरी टाइम पीरियड फ्रॉम 1801 जनवरी टू 1900 दिसंबर तक. एंड 20th सेंचुरी 1901 से 2000 एंड द 21st सेंचुरी 2001 से 2100 एंड वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी. हाउ डू यू नो 21st सेंचुरी? नाउ सी आवर प्रेजेंट ईयर इज 2021. तो यू विल चेक फर्स्ट टू डिजिट 20, उसमें 1 प्लस करिए आप 20 प्लस 1. तो दिस ईयर इज बिलोंग्स टू 21st सेंचुरी टाइम पीरियड. इफ आई एम राइटिंग हियर 1905 एंड आई एम आस्किंग अबाउट द सेंचुरी, एस की सेंचुरी के बारे में बताइए, तो आप फर्स्ट टू डिजिट चेक करेंगे 19, इसमें 1 प्लस करिए 20. तो 1905 हमारा है कौन से टाइम पीरियड का ईयर है? आपका 20th सेंचुरी. नेक्स्ट इफ आई एम राइटिंग हियर 2006, तो इसमें फर्स्ट टू डिजिट आप देखिए, फर्स्ट टू डिजिट है आपकी 20, 1 प्लस करिए 21. मीन्स 2006 आपका है 21st सेंचुरी का ईयर. आई होप नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट अबाउट द सेंचुरी बाय गिवन एनी ईयर. तो व्हाट एवर ईयर इज गिवन, उसकी फर्स्ट टू डिजिट आपको चेक करनी है और उसमें 1 प्लस करना है. जैसे 1625, तो 16 में 1 प्लस करिए, 17th सेंचुरी का ये आपका ईयर है. सिमिलरली इफ आई एम राइटिंग 1945, तो 19 में 1 प्लस करें आप, 19 प्लस 1 20. तो 1945 ईयर फॉर 20th सेंचुरी. आई होप नाउ यू कैन इजिली कैलकुलेट अबाउट द सेंचुरी ऑफ एनी गिवन ईयर.